मैं जो भी कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी। तो बताइए जानवी जी, आप कोर्ट को अपनी बेटी के बारे में क्या बताना चाहती हैं? माया को बचपन से ही गुस्से की प्रॉब्लम थी, उसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो सब कुछ शांत हो जाएगा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर मैं गलत थी। माया अनकंट्रोलेबल हो गई थी। अब वक्त आ गया कि मैं कोर्ट को सच बताकर माया की मां होने की गलती सुधारूं और सच यह है कि माया ने अपने पिता अश्विन का खून किया। और वो भी अपनी शादी की रात। अश्विन की मौत के बाद माया ने मुझे पागल करना चाहा। घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि अश्विन का भूत इस घर में है। फिर एक दिन वॉश बेसिन से मुझे अश्विन की आवाज आने लगी। मैंने जब नीचे सिंक खोलकर देखा तो मैं हैरान हो गई कि पाइप के अंदर एक रिकॉर्डर छुपा था। ये टेप रिकॉर्डर पानी में गीले होने से बोलता है। और उसके साथ एक नाखून का टुकड़ा था जो माया का था। मेरा दिमाग जो कह रहा था वो मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब माया ने किया है। मैं कुछ और सबूत ढूंढने लग गई। एक एक करके हर चीज मेरे सामने साफ हो रही थी, ये सब माया का ही किया था। ये सब तुम्हारा प्लान था माया, तुमने मेरे अश्विन को मारा। तुम अश्विन की मौत का इल्जाम मुझ पर डालना चाहती थी, पूरी दुनिया में यह साबित करना चाहती कि मैं पागल हूं। तुम्हें अपने झूठों का आज सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जब मैंने ये बात अर्जुन को बतानी चाही, माया ने मुझे फैक्ट्री के खिड़की से नीचे फेंक दिया और मुझे मारने की कोशिश की। करोना, एक बेटी ने अपनी माँ की जान लेनी चाही। और जब मुझे होश आया तो माया ने बड़ी चलाकी से अश्विन का खून का इल्जाम मुझ पर डाल दिया। वो जानती थी कि एक पैरालाइज्ड और अपाहिज औरत को कोर्ट सजा नहीं देती, और इसी वजह से कोर्ट ने मेरे खिलाफ केस वापस ले लिया। मैं चल नहीं सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी, पर मैं माया की हर हरकत को देख सकती थी। पूरी दुनिया को लगा था कि अर्जुन बुरा है, अपनी बीवी को मारता है, टॉर्चर करता है, पर सच तो यह था कि माया खुद अपने आप को मारती थी, कर देती थी, और फिर अर्जुन को ब्लैकमेल करती थी कि वो अपने आप को मार देगी। अर्जुन क्या करता, उसे ना चाहकर भी माया के साथ ही रहना पड़ता था। माया ने खुद के खून का नाटक करके ना सिर्फ अर्जुन को फंसाया,
बल्कि अपने रेप का नाटक करके अर्जुन के भाई अयान को भी फंसाया। जिसका फुटेज उसने पेन ड्राइव में डालकर मेरे व्हीलचेयर में छुपा दिया, जिसका पता पुलिस भी नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से अयान पे सीसीटीवी फुटेज मिटाने का और अटेम्प्ट टू रेप का आरोप लग गया। जब सांझ को यह पता चला तो उसने वो फुटेज अपने पिता को मेल कर दी कि माया का सच सामने आ जाएगा, पर वहां पे भी माया ने राजीव के हाथों सांझ के पिता को मरवा दिया। योर ऑनर, अयान ने कुछ गलत नहीं कहा है। माया ने उस पर भी अपनी गाड़ी चलाकर उसे भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, और यह मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से माया को अपने जूतों के खून के दाग साफ करते हुए देखा है। वंदना जी का भी खून माया ने किया। और ये बात उसने मुझे खुद बताई उनके घर जाने से पहले। इतना ही नहीं योर ऑनर, उसने मेरी अपनी माँ की जान एक बार ही नहीं दो बार ही लेने की कोशिश कर दी। पहली बार कामयाब नहीं हुई तो उसने दूसरी बार मुझे पानी में डुबोना चाहा। योर ऑनर, माया के हाथ बहुत लोगों के खून से रंगे हुए हैं। वो खून करके आती थी और सब कुछ मुझे बताती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ना मैं कुछ बोलने लायक हूं और ना ही मैं कुछ करने लायक हूं। पर अब मेरी आवाज वापस आ गई है माय लॉर्ड। अगर अब मैं चुप रही तो माया से ज्यादा गलती मेरी होगी। बच्चे चाहे जितनी भी गलती करें, माँ हमेशा उन्हें छुपाने की कोशिश करती है, पर मैं शायद दुनिया की पहली ऐसी माँ जो अपनी बेटी की गलतियों की नुमाइश कर रही हूं, क्योंकि माया जैसी लड़की समाज के लिए खतरा है। और इसकी गलतियों को छुपाकर मैं दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं लॉर्ड, मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूं कि माया को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ताकि दुनिया में किसी भी मां को ऐसी लड़की पैदा करने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। थैंक यू सो मच जानवी जी, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अभी बात साबित हो चुकी है कि माया जैसी औरत इस सोसाइटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। वो अपनी इज्जत बनवाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।